13 तारीख की जो कि आज की डेट लगाई थी और उस पर आज बहस हुई, और जब बहस की गई तो उसको बताया गया कि जिस आधार पर किस तरह के प्रश्न करते हैं वो भी द्वार और उनके साथियों को पुलिस द्वारा बताया गया कि न्याय हितों की जमानत बड़ी आवश्यक है। लेकिन अभियोजन ने जो तर्क दिया है वो बिल्कुल ही इस तरह का तर्क बना कि जो मानने योग्य नहीं था, उन्होंने तर्क दिया और एक एप्लीकेशन लगाई कि हमें 5 दिन का इसलिए समय दिया जाए क्योंकि हमारे पास सीडी और निरीक्षक नहीं है, हमें इस मामले की जानकारी नहीं है। लेकिन साहब ने उसमें संज्ञान लिया, पूरा पुराना ऑर्डर पड़ा और उसमें देखा गया कि इस मामले की पूरी जानकारी अभियोजन को पूरी जानकारी थी और माननीय न्यायालय का जो आदेश है उसमें यह है कि 7 दिन के अंदर अंदर जमानत प्रार्थना पत्र पर आपको संज्ञान लेना ही लेना है, इसलिए 1 दिन का समय पुलिस को और अभियोजन को जो कि कल के डेट उसमें लगी है और मैं सीडी और पूरी आखा के बहस होगी। क्या लगता है सर?